हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश पीरियड। आई होप यू आर ऑल वेल। टुडे वी आर गोइंग टू टेक ग्रामर इन वी आर अ फैमिली। सो ओपन योर बुक एट पेज नंबर 18। ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस टाइम वी लर्न एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स हैज अ नेम। हर व्यक्ति को या व्यक्ति का, जगह का, एनिमल्स का और चीज़ों का एक नाम रहता है। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल CW एंड डे। You have right to date and day. Okay. So, let's read the question. Every person, animal, place and things has a name. Pick the right name from the word box and write to below each picture. तो यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर दिए गए हैं। विथ यहाँ पे इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स है, तो हमें इस पिक्चर को देख के सही जगह यह नाम लिखना है। ओके, तो शुरू करें। चलिए, तो लेट्स रीड वर्ड्स। हाउस, टीचर, क्लासरूम, गर्ल, पेंसिल, मैन, फ्रॉक, स्कूल, शूज, रैबिट, स्कूल बैग, मंकी। ओके, फर्स्ट यस, व्हाट विल कम? यस, मैन। ओके, MAN, मैन। सो राइट डाउन मैन। नेक्स्ट यस, यस, हाउस। ओके, सो हाउस एंड यस, फ्रॉग, FROG एंड नेक्स्ट यस, यस, टीचर। ओके, टीचर, TECHER, टीचर। एंड यस, देयर आर मेनी डेस्क बेंच, सो इट इज क्लासरूम, क्लासरूम। ओके, CLASSROOM. नेक्स्ट यस, गर्ल। ओके, GIRL. नाउ यस, शूज। ओके, शूज, SHOES. पेयर है करके शूज। यस, दिस इज रैबिट, सो राइट डाउन रैबिट, RABBIT. ओके, नेक्स्ट यस, पेंसिल, डू अंडरलाइन एंड राइट डाउन पेंसिल, पेंसिल। ओके, एंड स्कूल। ओके, स्कूल, SCHOOL. ओके, स्कूल एंड यस, मंकी, MONKEY एंड लास्ट स्कूल बैग,
school bell. Okay. And B, read the naming words given in the word box. Write them in the correct columns. Okay. There are many words and हमें उसे क्या करना है, क्लासिफाई करना है. ओके, यहाँ पे कॉलम है पर्सन, प्लेस, एनिमल, फ्रूट एंड थिंग्स. इन नामों को हमको डिवाइड करना है किसमें, पर्सन, प्लेस, एनिमल, फ्रूट एंड थिंग्स में. सो फर्स्ट नेम है पार्क. अच्छा, तो पार्क मतलब कि यह एक प्लेस का नाम है. किसका नाम है, प्लेस का. ओके, पार्क यानी हम किसी एक जगह को कहते हैं पार्क. सो यह पार्क प्लेस में, प्लेस यानी जगह. ओके, पार्क क्या है, किस कैटेगरी में आएगा. ओके, पार्क प्लेस में. ओके, नेक्स्ट यस एप्पल. तो अगर हम कहेंगे एप्पल तो फर्स्ट से हमें क्या क्लिक होता है कि एप्पल एक फ्रूट है. ओके, सो एप्पल फ्रूट में हम लिखेंगे क्योंकि एप्पल एक फ्रूट है. ओके, नेक्स्ट कैट, CAT, कैट. अब कैट अगर हम बोलेंगे तो हमें क्या क्लिक होता है कि इट इज अ एनिमल. ओके, यह एक एनिमल है. सो एनिमल ANIMAL एनिमल में हम इस बॉक्स में हम इस कॉलम में हम कैट लिखेंगे. एनिमल के कॉलम में हम कैट लिखेंगे. नेक्स्ट यस मॉल. हमें कहीं मॉल जाना है मतलब एक जगह जाना है ना. मॉल जाना है मतलब हमें क्या है, तो यानी परफेक्ट एक जगह पर हमें जाना है, हम मॉल में ही जाएंगे. सो प्लेस में क्या आएगा, मॉल. ओके, एंड पियर. ओके, पियर दिस इज अ नेम ऑफ अ फ्रूट. एक फ्रूट का नाम है पियर. सो हम पियर PEAR पियर, करेक्ट. यस, नेक्स्ट चेयर. अगर हम चेयर कहेंगे तो हमें क्या क्लिक होगा कि यह तो एक चीज का नाम है, मीन्स एक थिंग्स का नाम है. चेयर किसका नाम है, थिंग्स का नाम है. सो चेयर हम थिंग्स के कॉलम में लिखेंगे, CHAIR चेयर. नेक्स्ट डॉग. तो डॉग क्या है, एक एनिमल है. सो इसे हम एनिमल के कॉलम में लिखेंगे, DOG डॉग. नेक्स्ट किचन. सो किचन क्या आएगा, किस कॉलम में आएगा. किचन से हमें क्या क्लिक होता है, अगर हमें किसी ने बोला कि किचन में जाओ तो हम किचन में ही जाएंगे, है ना, मतलब एक रूम में एक जगह में जाएंगे. सो किचन कोई चीज है, नहीं. कोई फ्रूट है, नहीं. कोई एनिमल है किचन, नहीं. तो क्या है फिर, यस किचन एक जगह का नाम है. ओके, सो KITCH
yan. Okay, kitchen. Next, room. Yes, room. Room means वहाँ भी एक जगह है. Okay, so write down room. And next है grape. Okay, grape means अंगूर. So grape क्या है, एक फ्रूट है grape. तो so हम कहाँ लिखेंगे grape को, फ्रूट के कॉलम में, GREPE. Okay, and next mother. Yes, mother मतलब मम्मी. तो मम्मी हम किसे नाम देंगे, एक पर्सन को, एक व्यक्ति को हम नाम देते हैं, है ना. मम्मी, पप्पा, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, सिस्टर. तो वहाँ क्या रहते हैं, एक पर्सन रहते हैं, एक व्यक्ति रहते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं मदर, फादर. ओके, सो राइट डाउन मदर फर्स्ट कॉलम ऑफ पर्सन. समझ में आया. नेक्स्ट बॉय. तो बॉय भी हम कहाँ लिखेंगे, यस वह भी एक व्यक्ति को ही दिया रहता है ना, है ना. सो बॉय हम कहाँ लिखेंगे, पर्सन में. ओके, सो नेक्स्ट रैड. ओके, तो रैड क्या आएगा, यस जैसे कैट, डॉग एनिमल्स, वैसे ही रैड भी एनिमल्स है, एनिमल है. सो राइट डाउन एनिमल कॉलम. ओके, यहाँ जो वर्ड्स है इन्हें हमें डिवाइड करना है, किसमें, पर्सन में, प्लेस में, एनिमल में, फ्रूट में और थिंग्स में. मतलब पर्सन मीन्स व्यक्ति में, जगह में, जानवर, फ्रूट, फल और चीज़ों में हमें इन वर्ड्स को डिवाइड करना है. सो नेक्स्ट राइट के बाद बनाना. बनाना किस कॉलम में आएगा, यस बनाना फ्रूट है ना, फ्रूट है ना. सो राइट डाउन बनाना इन फ्रूट कॉलम. ओके, नेक्स्ट गर. यस, तो जिसके कौन से कॉलम में आएगा यहाँ गर, यस जैसे मदर, बॉय, वैसे ही गर. तो यहाँ एक व्यक्ति को मतलब पर्सन को नाम दिया रहता है, GRRL. ओके, गर. नेक्स्ट पेंसिल. पेंसिल एक थिंग्स का नाम है. ओके, एक थिंग का नाम है पेंसिल. ओके, सो राइट डाउन पेंसिल दिस कॉलम. थिंग, पेंसिल क्या है, एक थिंग है. ओके, नेक्स्ट ग्रैंडफादर. सो ग्रैंडफादर हम किसे कहते हैं, दादाजी को. तो दादाजी क्या है, एक पर्सन है. ग्रैंडफादर कौन है, एक पर्सन. ओके, सो राइट डाउन ग्रैंडफादर. ओके, देर इज अ नो स्पेस, सो राइट डाउन हियर FATHER ग्रैंडफादर. एंड नेक्स्ट टॉय मीन्स खिलौना. तो खिलौना क्या है, एक चीज है ना, खेलने की एक चीज है. सो
चीज को हम क्या बोल कहते हैं, थिंग। ओके सो थिंग, तो टॉय थिंग में आएगा। एंड नेक्स्ट डेस्क। ओके सो रेड हम कहाँ लिखेंगे, सॉरी टॉय के बाद आफ्टर डेस्क। ओके सो डेस्क ये किस में आएगा, यस थिंग्स। ओके थिंग में आएगा, डी ई एस के। ओके लास्ट लायन। सो लायन, लायन क्या है, एक एनिमल है ना, लायन क्या है, एक एनिमल है। फिर हम इसे एनिमल के कॉलम में लिखेंगे, तो इस तरीके से क्या किया गया है, हर मतलब चीज को पर्सन, प्लेस, एनिमल, फ्रूट, थिंग, थिंग्स में डिवाइड किया गया है, उसे क्लासिफाई किया गया है। ओके सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। सो राइट डाउन योर बुक एंड दैट्स इट, थैंक यू।